रजबपुर थाना पुलिस द्वारा पेट्रोल पंपों से फर्जी दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी से डीजल ठग करने वाले आरोपी गिरफ्तार। जनपद अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे अथॉरिटी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदार पेट्रोल पंप से उधार में डीजल लेते हैं और उन्हें बाद में कंपनी से पेमेंट मिलता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर कुछ जालसाधु ने बड़ी साजिश रच डाली और पेट्रोल पंप पर जाकर ठगों ने खुद को मध्य प्रदेश की राय कंस्ट्रक्शन ग्रुप का ठेकेदार बताकर आसपास के कई पेट्रोल पंपों से डीजल लिया और उनको फर्जी कागजात व नकली चेक थमा दिए। खुलासा तब हुआ जब चेक बाउंस हो गए। उसके बाद पेट्रोल पंप के मालिकों ने अमरोहा पुलिस से इसकी शिकायत की और अमरोहा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन पांडा के आदेश पर इन ठगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए टीमें गठित की गई और कार्यवाही करते हुए टीम ने बड़ा खुलासा कर दिया। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 6 लाख रुपए नकद और 5600 लीटर डीजल बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ये बड़ा शापित गिरोह है जो शायराना अंदाज में ठगी की वारदात को अंजाम देता था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में फुरकान, राजेंद्र, सद्दाम और अरशद शामिल हैं। ये सभी अमरोहा व जनपद संभल के निवासी हैं जो खुद को कंपनी का ठेकेदार बताकर ठगी कर रहे थे। उनके कुछ और आपराधिक इतिहास को टटोला जा रहा है। इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे ये पता लगाया जा रहा है। फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके माल बरामद कर लिया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 3 अगस्त को थाना रजबपुर और गजरौला पर पेट्रोल पंपों से ठगी कर डीजल भारी मात्रा में डीजल ले गए थे कुछ बदमाश और उन्होंने ठगी की थी। फर्जी चेक देकर गए थे। जो चेक जब पेट्रोल पंप मालिकों ने बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए, बैंक खाते में पैसे नहीं पाए गए। इस पर वो थाने आए, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तत्काल टीम बनाकर जो भी तेल गया था उसकी बरामदगी के लिए प्रयास शुरू किए। इसमें हमने आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लगभग 28 ड्रम डीजल और 6,30,000 रुपये नकद बरामद किए हैं और इसमें आगे 4 अभियुक्त और हैं जिनकी अभी तलाश चल रही है पुलिस को, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने बताया है कि 1-3 लोगों की टीम थी जिन्होंने कि ये पूरे कार्य को अंजाम दिया और 2 पिकअप ट्रकों को यहाँ पर किराए पर लिया था जिनके द्वारा ये तेल अलग अलग जगहों पर बेचा गया और जो भी बेचने वाले हैं इनको उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे वसूली की है। जो भी पैसे थे और जो तेल था वो भी उनसे बरामद किया है पुलिस ने और इस पर आगे कार्यवाही अभी की जा रही है। जी ऐसा जो कार्य प्रणाली है इनकी, इससे प्रतीत होता है कि जो ये गैंग है ये पहले भी कार्य कर चुका है और अन्य जिलों राज्यों में भी ये कार्य कर चुका है। फिलहाल पुलिस टीम लगी है उनको गिरफ्तार करने में और जब गिरफ्तारी होगी पूछताछ के आधार पर और अन्य जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।